हे गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोटो को मैनिपुलेट कैसे करते हैं एकदम रियलिस्टिक। जैसा कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस फोटो को मैंने खुद से एडिट किया है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और मैं ये भी बताऊंगा मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कैसे किया है। तो गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज, ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है। मैंने इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें फेस को स्मूथ किया था। तो आपका फ़ोटो डार्क हो तो आप पहले एक्सपोजर और शैडो को बढ़ा लीजिएगा, और मैंने बाकी सब का कलर पूरा माइनस कर दिया था सैचुरेशन को, ठीक है गाइज। और मैं बताऊंगा मैंने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया था। तो मैं इस फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ पिक्सआर्ट में। मैंने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट से ही रेस किया था, तो मैं फ़ोटो को अपने शेयर कर लेता हूँ। तो पिक्सआर्ट में आने के बाद हम चलेंगे टूल्स वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे आते ही हम आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड लेयर्स का ऑप्शन है, तो लेयर्स में जाके हम अपनी फ़ोटो वाले लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और इरेजर को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे इस तरह से। गाइस, मैं इसमें पूरा डिटेल्स नहीं बता सकता, अगर मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिनको बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने इसमें बता दिया है बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं। और इरेजर पे एक बार टैप करने के बाद आप इसके ओपेसिटी और हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ओपेसिटी को फुल कर लीजिएगा और हार्डनेस को इतना, साइज आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा, फिर बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। इससे बैकग्राउंड बहुत अच्छे से इरेज होगा और आप भी इसे जूम करके और अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस, मैं अपनी उस फोटो को ऐड कर लेता हूँ जिसका मैंने बैकग्राउंड इरेज किया था, और जो हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ये है हमारा बैकग्राउंड। तो पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इस साइड। तो अब हम चलेंगे टूल्स में। तो मैं अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था। ऐड करने के बाद मैं इसको साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे अच्छा लगे। मैं इसको जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज, मैं कुछ पार्टिकल्स पीएनजी ऐड कर लेता हूँ, इससे बैकग्राउंड में अच्छा रहेगा। तो मैं उसको ऐड करके जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एंड गाइस, पीएनजी पार्टिकल्स ऐड करने के बाद मैंने फ़ोटो को लाइटरूम में शेयर कर लिया है, और यहाँ पे हम फोटो का कलर ग्रेडिंग करेंगे जिससे फ़ोटो हमारा बैकग्राउंड से मैच करे। तो आप अपनी फ़ोटो को लाइटरूम में ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लाइट्स एंड कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एंड गाइस, इतना करने के बाद हम चलेंगे सिलेक्टिव टूल में। यहाँ पे भी हम कुछ ऐड कर लेते हैं लाइट्स को, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ।
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ, कलर ग्रेडिंग करने से पहले एंड कलर ग्रेडिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइस ऐसे ही न्यू कमांड वीडियो के साथ।